2012 के विधानसभा चुनावों में आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की रुद्रप्रयाग न्यायालय में पेशी थी। पेशी के बाद रुद्रप्रयाग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की अनेक समस्याओं से मंत्री को रूबरू करवाया। इस दौरान मंत्री हरक सिंह रावत ने वन विभाग, श्रम विभाग, सेवायोजन, आयुष आदि विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले की जितनी भी सड़कें, वन भूमि हस्तांतरण के कारण लंबित पड़ी हैं, उन मामलों का प्रमुखता के आधार पर निस्तारण करने का निर्देश दिया। रेलवे और ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्य में भी वन विभाग से भी लगातार क्लियरेंस मिल रही है, इन निर्माण कार्यों में किसी तरह का बाधा उत्पन्न ना हो। जो हमारे विशेष करके वन भूमि से संबंधित विशेष करके जो समस्या है, यहाँ बहुत सारी सड़कें हैं। आशा नोटा जी जब विधायक थी, तब जब मैं यहाँ से विधायक था, बहुत सारी सड़कें जो उस समय स्वीकृत हुई थी, लेकिन आज भी उनकी वन भूमि के परमिशन न मिलने के कारण वो मोटर मार्ग नहीं बन पाए। और उस दिशा पे मैंने सभी अपने अधिकारियों से चर्चा की है और हमारी कोशिश है कि रुद्रप्रयाग जनपद में वन भूमि से संबंधित जितने भी मामले हैं उनका निस्तारण, जो वन विभाग के स्तर पर लंबित हैं, उनका निस्तारण हम समय के साथ उपयोग करेंगे। और जो संबंधित नोडल विभाग, जो चाहे PWD है, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम विकास है, उन विभागों से भी संबंधित जो भी मामले लंबित हैं उनका भी हम समय से समाधान करेंगे। ऑल वेदर रोड में हमने फॉरेस्ट क्लियरेंस लगातार हम दे रहे हैं और हम स्वयं में मॉनिटरिंग करता हूँ, ऑल वेदर रोड के निर्माण में कोई योगदान ना आए और जो भी फॉरेस्ट क्लियरेंस होना है उसको युद्ध स्तर पर हम कर रहे हैं। रेलवे निर्माण में भी हम तेजी के साथ फॉरेस्ट क्लियरेंस अलग अलग टुकड़ों में दे रहे हैं। रेल विभाग जहाँ भी प्रस्ताव दे रहा है, जैसे मुनकृति ऋषिकेश से लेकर तपोवन तक पहला प्रस्ताव उनका आया तो हमने उनको क्लियरेंस दे दी। श्रम विभाग विशेष करके जो भवन निर्माण और निर्माण श्रमिक हैं। बता दें कि वन विभाग के अलावा जो संबंधित नोडल के स्तर पर वन भूमि के लंबित मामले हैं, उन्हें भी निस्तारित करने की दिशा प्रयास किए जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।